Hey guys, आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको लेकर आया हूँ उमराद के एक बढ़िया से बीच में। और आज मेरे साथ है ना ये मेरे काका जी है, आपको दिख रहे, और साथ में इनके फ्रेंड भी है नारायण भाई है, तो इनसे भी आपकी मुलाकात करेंगे। तो सबसे पहले काका से बात करते हैं, और ये काका के दोस्त है। आज काका ने मुझे कहा था कि चलो आज उनके यहाँ जाके घूमते हैं, तो काका बताइए कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। अच्छा, और ये समुद्र किनारा है। अच्छा, यहाँ से हमको जितना दूर देखें पूरा समुद्री पानी पानी दिख रहा है। अच्छा, और ये बहुत अच्छी जगह पर है, अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं अंदर। और लगभग ये आपको है ना नवसारी से उमराद का रास्ता करीब आपको 30 से 35 किलोमीटर होगा। और मेरे साथ है ना काका के फ्रेंड भी है, इनसे बात करते हैं। तो नारायण अंकल बताइए, ये जो है बॉम्बे में जैसे जुहू चौपाटी है। अच्छा, ये जुहू चौपाटी के बराबर के ये बीच एरिया है। अच्छा, हाँ, ये हजीरा एसआर गुजरात के नजीक पड़ता है, नवसारी से भी नजीक पड़ता है, और सूरत के जितने भी लोग हैं एंजॉय करने के लिए सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये एकमात्र यही एक जगह है। अच्छा, सूरत वाले तो ये यहाँ का एक पिकनिक स्पॉट है। अच्छा, तो गाइस चलो अंदर चलते हैं। और है ना यहाँ पे मैं आपको पीछे से बैकग्राउंड भी दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीजें भी मिलती है। और आज सैटरडे है ना, तो यहाँ पे काफी भीड़ भी है, तो काफी मजा आने वाला है। वीडियो के साथ बने रहेगा, ऊंट की सवारी भी होती है। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट रुपेश, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फूडी रुपेश। और चैनल बने हो तो जाते जाते अपने भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करके आगे मिलो। गाइस हम लोग अभी ये है ना बीच के पास आ गए, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, थोड़ा सिमिलर आपको लगेगा दांडी जैसा। और यहाँ आने के बाद है ना मुझे थोड़ा दमन का याद आ गया। ये आप मेरे पीछे साइड देखिए कैसा झोपड़ा दिख रहा है ना, तो दमन में भी पहले ऐसा ही कुछ था, पर अभी है ना वहाँ पे काफ़ी डेवलप कर दिया। तो काका जी बताइए आप कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? इतना बढ़िया बीच, मैं भी पहली बार आया यहाँ पर, और बहुत ही जानदार लग रहा है यहाँ। लोगों की भीड़ तो आज तो कुछ कम है, संडे के दिन बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, बता रहे हैं नारायण भाई। अच्छा, और बाजू में ही चल रहे हैं अपने नारायण भाई। देखिए इतना अभी दूर दूर समुद्र में, आप अभी तो यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत पानी जहाज है। अच्छा, सब ये रात को यहाँ बता रहे थे नारायण भाई कि रात को यहाँ पूरे समुद्र में लाइट दिखेगी, जितने बोट है तो पूरी लाइट दिखेगी, और ऐसा लगता है कि शहर बसा हुआ है बीच में। तो अंकल यहाँ के बारे में और कुछ बताइए। ये जो है, ये जो समुद्र का एरिया है, ये वेलाडीला और विशाखापट्टनम से जितने भी आयरन ओर आता है ना, पूरे इसी समुद्र में एसआर गुजरात में जाता है। पूरी जहाजों जो है, कम से कम 150 जहाज जो है, ये इसी समुद्र में हर दम बसा रहता है, और शहर जैसा रात को जो लाइट जल जलेगी ना, तो पूरा शहर ही दिखेगा। तो यहाँ पे जितने भी सूरत वाले यहाँ पे ज्यादा आते हैं, दर्शनीय स्थल है। अच्छा, तो वैसे आने के बाद काफी मजा आ रहा है। हाँ, काफी मजा है। और अभी है ना हम लोग सनसेट के टाइम पे आए हुए हैं। देखिए वो ऊंट सवारी है, ऊंट सवारी, बच्चे लोग नहा रहे हैं, वो समुद्र में जा रहे, देखो। तो गाइस काफी मजा आ रहा है। और यहाँ से अगर अपन शॉर्टकट दांडी जाना था, आश्रय किला कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से 25 किलोमीटर। अच्छा, 25 किलोमीटर में दांडी भी आ जाएगा। आ जाएगा। तो ठीक है गाइस चलो एंजॉय करते हैं। उसके बाद है ना यहाँ पे कुछ फूड वाले भी हैं, तो चेक कर लेते हैं यहाँ का खाना कैसा है, और खाने जैसा है कि नहीं वो भी देख लेते हैं, ठीक है? चलो तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
गाइस देख लो, हमने है ना उमरात गांव में एक बढ़िया सा एक अंडा भुर्जी मंगाया है। इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्राइस है 80 रुपया, साथ में आपको 4 ब्रेड का पीस मिलने वाला है। और यहाँ पे हमने है ना 2 रोटी मंगाया है, इसका प्राइस 5 रुपया, और साथ में यहाँ कचुम्बर दिया था, इसमें प्याज ककड़ी और आपको नींबू मिल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉनवेज वाली है ना मुझे एक ही दुकान दिखी, और इसके अलावा यहाँ पे वेज भी है, तो अगर आप कुछ वेज में भी ट्राई करना है तो यहाँ मकई है, भजिया है और भी बहुत सारी है। और यहाँ पे ना सूरत वाले यहाँ पे आना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और मेरे साथ सर भी है, काका के दोस्त भी है। तो आप ये पहली बार ऐसा वीडियो में आए हैं ना? वीडियो में पहली बार आया हूँ, बाकी तो मैं तो इधर आता जाता रहता हूँ। तो गाइस इसको शुरुआत करते हैं, मैं ना सबसे पहले ये ब्रेड से लेना पसंद करूँगा। तो एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ से ये देखिए ऐसे भुर्जी का मैंने अभी तक वीडियो भी नहीं डाला था, तो ये इसका शुरुआत करते हैं। ये हमने है ना 2 अंडे का बनाया था, और इसमें सबसे अच्छी खास बात क्या है मालूम, इसमें मसालों का बैलेंस। यहाँ पे जो मासी है ये थोड़ा क्या कैमरे के सामने आने का नहीं कर रही थी, तो मेकिंग तो लगभग मैं आपको पूरा नहीं बता सकता, पर इसमें है ना बनाने के लिए इन्होंने टमाटर प्याज को पहले कुछ एक बॉयल में उसमें तला था, उसके बाद उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाला था, अंडा डाला था, टमाटर डाला था, लास्ट में धनिया भी डाला था, तो इन्होंने काफ़ी बढ़िया बना दिया। मेरे साथ अंकल भी, अंकल को बोलता अंकल आप टेस्ट करिए, आप बताइए कैसा, आप रोटी के साथ करेंगे कि ब्रेड के साथ? ब्रेड ब्रेड अच्छा ब्रेड के साथ पसंद करेंगे, तो आप चेक करके बताइए आपको कैसा लग रहा। बहुत ही स्वादिष्ट बनाया अंडा भुजिया जो बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट। और गाइस मैं बता दूँ जो अंकल है ना नारायण अंकल, ये भी बहुत ही अच्छा कुक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी इनकी ही एक बढ़िया सी फिश की वैरायटी दिखाने वाला हूँ। यहाँ का लोग ये है ना, आप जैसे ही उभराट में पहले एंट्री करेंगे ना राइट हैंड साइड में आपको 34 दुकान मिल जाएगी, और इनके पास है ना इसके अलावा झींगा फ्राई खाना है, चिकन फ्राई खाना है, या तो फिर पॉम्पलेट रसा वाला पॉम्पलेट और भी बहुत सारी मिल जाएगी, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए तो कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल जाएगा। अच्छा मंटी वंटी मैडम आंटी ऐसा बोल रही है, यहाँ पे लगभग सी फूड वाला अंकल एक ही दुकान है ना, और कोई है नहीं यहाँ? वो है। और मेरे साथ है ना पीछे काका जी भी जो कैमरा पकड़ के रखे हैं फर्स्ट टाइम, तो उनका भी फीडबैक ले लेते हैं, मैं काका से जिसे कैमरा ले लेता हूँ। तो काका जी आप भी चेक करके बताइए कैसा है। तो काका जी है ना रोटी से ट्राई कर रहे हैं, हमने ब्रेड से ट्राई किया था, बहुत बढ़िया स्वाद है, और सभी व्यूअर्स मैं बोलूँगा कि एक बार आके यहाँ ट्राई करेंगे, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है और आप इसको कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है गाइस, यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और आप भी अगर उमरात में आ रहे हैं ना तो इनके पास आइएगा, इनके पास बहुत सारी भी वैरायटी है। और हाँ, वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं ना, तो चैनल में नया है और जाते जाते अपने भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, फिर मिलूंगा नेक्स्ट फ्राइडे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।